बहुत अच्छे से पढ़ना है जो भी हमारे नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन को दबाना ताकि इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके ठीक है स्टार्ट करेंगे दोस्तों इस ये वीडियो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें हम जल के बारे में जल का महत्व जल के स्रोत जल के वितरण जल प्रदूषण है ना वायु का संगठन वायु के गुण इसके बारे में पढ़ेंगे ठीक है नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या प्रकाश ध्वनि प्रदूषण इसके बारे में और ऊष्मा तापमान के बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि हम जानते हैं कि हमारा पारितंत्र दो घटकों जैविक और अजैविक में विभाजित है ये चीज तो सभी को पता है कि जो हमारा पारितंत्र है वो दो घटकों में विभाजित है एक तो जैविक यानी कि जिनमें जीवन है वो जैविक और जिनमें जीवन नहीं है वो अजैविक या फिर भौतिक ठीक है में विभाजित है पेड़ पौधे और पेड़ पौधे और जीव जंतु जैविक घटक के भाग हैं, जबकि अजैविक घटक में जल वायु प्रकाश मृदा आदि शामिल हैं। यहां से एक क्वेश्चन आपका बन जाता है दोस्तों। आपसे पूछा जाता है निम्न में से बताइए कौन सा जैविक घटक है तब आपको पता होनी चाहिए निम्न में से बताइए कौन सा अजैविक घटक है तो जल वायु प्रकाश ऊष्मा मृदा ये अजैविक घटक हैं या ऐसा पूछ लिया जाता है कि जल वायु ऊष्मा प्रकाश एक किस प्रकार के पारितंत्र के घटक माने जाते हैं तब आपको पता होनी चाहिए बहुत एक या फिर अजैविक ठीक है ये चीज आपको क्लियर है ये अजैविक घटक जैविक घटकों को जिंदा रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है किसी एक घटक की कमी से प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए ये दोनों घटक जो है जैविक और अजैविक आवश्यक है तो ये जैविक और अजैविक आप समझ गए होंगे बात कर लेते हैं दोस्तों जल की जल जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है पृथ्वी पर है ना तो पृथ्वी का तीन चौथाई भाग यानी कि इकहत्तर प्रतिशत जल से ढका हुआ है अब यहाँ आपको याद रख लेना है दोस्तों क्या आपसे एक क्वेश्चन बनेगा कि पृथ्वी का जो ए, कितना कितने प्रतिशत जल जो है पृथ्वी पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल है तब आपका उत्तर होगा इकहत्तर प्रतिशत अगर इकहत्तर प्रतिशत प्रतिशत में दिया है अंकों में तो इकहत्तर प्रतिशत और अगर ऐसा पूछा जाता है एक चौथाई तीन चौथाई तो तीन चौथाई भाग आपका बिल्कुल सही होगा ठीक है इस भाग को क्या कहते हैं जलमंडल कहते हैं पृथ्वी पर जल चक्र के द्वारा प्राप्त होता है ठीक है जल जल चक्र के द्वारा प्राप्त होता है जब समुद्रों महासागरों नदियों तालाबों झरनों का जल सूर्य की गर्मी से गर्म होकर आसमान में जाता है तब बादलों का निर्माण होता है बादलों से फिर बारिश वृष्टि होती है यह बारिश बर्फ के रूप में ओलों के रूप में या फिर पानी के रूप में होती है इस प्रकार जल पुनः समुद्रों महासागरों नदियों तालाबों और झरनों में पहुंच जाता है दोबारा से पानी का भाप बनने की प्रक्रिया शुरू होती है और फिर बादलों के बनने के बाद वर्षा होती है यही प्रक्रिया जिसमें जल जलमंडल से वायुमंडल में जाता है और वायुमंडल से जलमंडल में आता है ये क्या कहलाती है जल चक्र कहलाती है ठीक है तब यहां पर हमने पढ़ा कि जल जल चक्र के द्वारा प्राप्त होता है ठीक है तो इतनी चीज आपको यहां पर क्लियर हो गई होगी बात कर लेते दोस्तों जल का महत्व जल सभी जीव जंतुओं की आधारभूत जरूरत है जल मनुष्य के शरीर में जल का लगभग सत्तर प्रतिशत भाग जल से बना है ये चीज भी याद रखनी है हमने पढ़ा था कि पेड़ पौधों में नब्बे प्रतिशत भाग जो होता है वो जल होता है वैसे ही मनुष्य के सत्तर प्रतिशत जो भाग है वो जल से बना है ठीक है मनुष्य को अपने विभिन्न कार्यों जैसे खाना पकाने कपड़े धोना साफ सफाई साप, करना आदि के लिए जल की जरूरत होती है मनुष्य को पाचन प्रक्रिया उत्सर्जन प्रक्रिया में और अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने के लिए जल की आवश्यकता होती है जानवरों को भी अपने विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए जल की जरूरत होती है पौधों को भी खाना बनाने खनिजों के संवहन बीजों के अंकुरण आदि के लिए जल की जरूरत होती है कुछ जीव जंतु पेड़ पौधे तो जल में ही रहते हैं कृषि के लिए जल की जरूरत होती है जल से बिजली बनाई जाती है कई उद्योग जैसे कागज मिल स्टील और तरबड़क आदि को जल की जरूरत होती है तो यहाँ पर जल का जो महत्व है उसको समझाया गया है है ना अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि मनुष्य के शरीर में जो भाग है वो मनुष्य का शरीर लगभग कितने प्रतिशत जल के भाग से बना है तो सत्तर आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा ऐसे ही पूछ लिया जाएगा कि जल का उपयोग किन संयंत्रों उद्योगों में जो है अधिक मात्रा में होता है तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए जल के स्रोत देखो जल तीनों रूपों ठोस तरल और गैस एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बन जाता है कि कौन सा स्रोत है जो कौन सा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है तब आपका उत्तर होगा जल ठीक है भाप के रूप में भी पाया जाता है है ना ठोस रूप में जल बर्फ के रूप में पाया जाता है तरल रूप में जल समुद्र महासागरों नदियों तालाबों झरनों जमीन के अंदर में पाया जाता है ठीक है ये जल के स्रोत हो गए बात कर लेते दोस्तों भाप के रूप में जल आसमान में पाया जाता है जिसे आर्द्रता नमी कहते हैं इसे हाइग्रोमीटर से मापा जाता है अब आपसे पूछा जाता है कि जो जमीन की आर्द्रता है या फिर नमी है इसे किससे मापा जाता है तो हाइग्रोमीटर हाइग्रो यहाँ पर एक हाइड्रो भी दे दिया जाता है आपको लेकिन आपको हाइग्रोमीटर याद रख लेना है ठीक है अब जल का वितरण देख लेते हैं पृथ्वी का तीन चौथाई भाग जो है जल से ढका है परंतु फिर भी इसकी कमी है क्योंकि जल का वितरण जो है वो असमान है और इसका ज्यादातर भाग हमारे लिए उपयोगी नहीं है जल का वितरण निम्नलिखित है दोस्तों महासागरों समुद्रों में लवड़ीय जल जो अनुपयोगी है वो 97.0 सेवन परसेंट है ठीक है बर्फ के रूप में जो जल है वो दो दशमलव जीरो परसेंट है भूमिगत नदियां या झीलें आदि में आलबड़ीय जो उपयोगी जल है वो एक परसेंट है मात्र ठीक है और जो उपयोगी जल एक प्रतिशत हमारे उपयोग के लिए उपलब्ध है उसका हम सिर्फ 0.0006 परसेंट ही उपयोग करते हैं है ना तो ये चीज भी आपको ये जो डाटा है वो आपको याद रख लेना है कि जो समुद्री जल है वो 97 है है ना बर्फ के रूप में दो परसेंट है और जो उपयोगी जल है नदियों झीलों में वो एक परसेंट है और उपयोग हम कर पाते हैं जीरो पॉइंट जीरो जीरो सिक्स परसेंट ठीक है जल प्रदूषण कारक एवं हानि तो आपको बताना है कि जल में ऐसे पदार्थों का मिलना जिनसे जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचे वो क्या कहलाता है जल प्रदूषण कहलाता है जल प्रदूषण के कई कारण हैं घरों से निकलने वाला कचरा मर्मूतृत इत्यादि उद्योगों फैक्ट्रियों कारखानों से निकलने वाला कचरा रसायन गर्म जल आदि ठीक है कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट साबुन जो झाग बनाते हैं का प्रयोग खेतों में रासायनिक खादों का प्रयोग खरपतवार नाशकों और कीटनाशकों का प्रयोग जल स्रोतों में मरे हुए जीव जंतुओं का फेंकना ये सभी जल प्रदूषण के कारण हैं। नदियों का प्रदूषक स्तर है ना बी ओ डी यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड में मापा जाता है, है ना बी ओ डी फाइव का जो है अर्थ है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर आपसे पूछा जाए कि नदियों का जो प्रदूषक स्तर है वो ए, किस में मापा जाता है तो बी ओ डी यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ठीक है ये चीज याद रखनी है जल प्रदूषण को रोकना अत्यंत जरूरी है अगर हम उपरोक्त जल प्रदूषण के कारकों को दूर कर ले दें, तो जल प्रदूषण नहीं होगा अगर ऐसा नहीं होता तब हमें जल प्रदूषण से कई हानियां हो सकती हैं जल प्रदूषण से हानियां देखो दोस्तों जल प्रदूषण से दूषित जल से पेचेस डायरिया टाइफाइड है ना म्यादी बुखार पीलिया और हैजा रोग होते हैं अब आपसे यहाँ से, से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों आपको बताना होता है कि निम्न में से बताइए कौन सा जल जनित जो है बीमारी है तो आपको याद रख लेना है पेचेस डायरिया टाइफाइड पीलिया और हैजा ये जल जनित रोग हैं है ना और कुछ विशेष धातुओं के जल में घुल जाने से बीमारियां होती हैं, जैसे मीन माता रोग में पारे मरकरी के घुल जाने से ए, ए, टाई, टाई रोग जल में कैडमियम धातु के घुल जाने से होता है ठीक है दूसरे जल से शरीर विकलांगता आ जाती है

पानी में फिटकरी डालने से पानी में मौजूदा शुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं घरों में आने वाली जो पानी में क्लोरीन मिली होती है हानियां सिर्फ दूषित जल से ही नहीं होती अगर जल की कमी हो जाए या फिर जल अधिक बरस जाए तब भी हानियाँ होती हैं सूखा की बात कर लेते जब बारिश बहुत कम होती है या बिल्कुल भी नहीं होती तब सूखा पड़ता है इससे निम्नलिखित हानियां होती जल के स्रोत सूख जाते हैं खेती नहीं होती पौधे सूख जाते हैं भूख प्यास से जीव जंतु मर जाते हैं बाढ़ जब बारिश बहुत अधिक होती है तब बाढ़ आ जाती है इससे निम्नलिखित हानियां होती हैं, मिट्टी के ऊपर की जो उपजाऊ परत बह जाती है फसलें बह जाती हैं, मलेरिया डायरिया हैज, हैजा जैसी बीमारियों के फैलने की संभावना बढ़ जाती है लोगों के घर बह जाते हैं जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती है ये बाढ़ के जो है प्रमुख हानियां या फिर लाभ है ठीक है जल संरक्षण देखो जल एक अमूल्य वस्तु है जल के बिना जीवन असंभव है जल हमारे कई गतिविधियों के लिए आवश्यक है हमने देखा कि जल का वितरण आसमान है सिर्फ एक परसेंट जल ही हमारे लिए उपयोगी है इसलिए जल का संरक्षण आवश्यक है वर्षा ही जल का प्रमुख स्रोत है इसलिए वर्षा के जल को हमें नालियों में व्यर्थ बहने नहीं देना चाहिए इस जल को संग्रहित करके रखना चाहिए प्राचीन काल में वर्षा रहित क्षेत्रों में लोग कुओं सीढ़ीदार कुओं झीलों आदि में वर्षा के जल को संरक्षित करके रखते थे इनका उपयोग पूरा समुदाय करता था वर्षा के जल को हम निम्नलिखित तरीकों से इकट्ठा कर सकते हैं छत के ऊपर वर्षा जल संग्रहण इस विधि में हम छत के ऊपर इकट्ठे हुए वर्षा के जल को पाइपों की मदद से जमीन में बने गड्ढे या टैंक में इकट्ठा करते हैं इकट्ठे किए गए पानी को हम बाद में उपयोग कर सकते हैं है ना दूसरी विधि में हम सड़कों पर हुई बारिश के पानी को हाँ, सड़कों के किनारे बनाए गए नालियों गड्ढों के द्वारा जमीन में जाने देते हैं जिससे जमीन के नीचे पानी का का स्तर बढ़ जाए या फिर पाताल निर्माण करते हैं जल में संरक्षित करने के लिए हमें व्यक्तिगत तौर पर कम उपयोग पुनः उपयोग और पुनः चक्रण तरीका अपना सकते हैं प्रत्येक वर्ष बाईस मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है एक क्वेश्चन भी आपका बनेगा यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है बाईस मार्च को ठीक है ये चीज भी याद रखनी है जल संरक्षण से संबंधित कुछ संस्थाएं देखो तरुण भारत संघ यह संस्था राजस्थान में कार्यरत है जल पुरुष राजेंद्र सिंह संस्था से संबंधित है तो तरुण भारत संघ कहां से संबंधित है राजस्थान से संबंधित राजेंद्र सिंह जिन्हें की जल पुरुष कहा जाता है अगर आपसे पूछा जाए कि जल पुरुष निम्न में से किसे कहा जाता है तो राजेंद्र सिंह को कहा जाता है ठीक है भीम संघ यह बच्चों की संस्था जो कर्नाटक के होलगुंडी में कार्यरत है जल संरक्षण से संबंधित है भीम संघ ठीक है वायु देखो वायु क्या है वायु गैसों का मिश्रण है वायु में नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गन आदि गैसों के अलावा धूल के कण और जलवास पे भी पाए जाते हैं ठीक है वायु गैसों का मिश्रण है उसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड आर्गन आदि गैसों के अलावा धूल के कड़ भी पाए जाते हैं ठीक है वायु का संगठन देखो वायु के संगठन को पाई डायग्राम के द्वारा दर्शाया जाता है दोस्तों इसमें देखते हैं हम कि इकहत्तर प्रतिशत ए सॉरी इक्कीस परसेंट इसमें क्या है ऑक्सीजन है और ये जो क्षेत्र है आप देख रहे हैं ये पूरा क्षेत्र नाइट्रोजन यानी कि सेवेंटी एट परसेंट इसमें नाइट्रोजन और इक्कीस परसेंट है क्या ऑक्सीजन और एक परसेंट अन्य गैसें धूल के कण और जलवास में है ठीक है पूरे वायुमंडल में तो ये चीज आपको समझनी है नाइट्रोजन अठहत्तर प्रतिशत यह गैस वायु में सर्वाधिक मात्रा अठहत्तर प्रतिशत में पाई जाती है यह गैस पौधों के लिए आवश्यक है यह गैस आग जलने में सहायता नहीं करती ठीक है कौन सी नाइट्रोजन नेक्स्ट देखें ऑक्सीजन 21 परसेंट है वायु का 21 परसेंट भाग ऑक्सीजन से बना है यह गैस सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे के लिए आवश्यक है यह गैस जलने में सहायता करती है ठीक है ऑक्सीजन अन्य गैसें देखो वायु में मौजूद अन्य गैसें कार्बन डाइऑक्साइड हीलियम ओजोन ऑर्गन हाइड्रोजन अन्य गैसों के अलावा वायु में धूल के कण और जलवास भी, भी पाए जाते हैं है इन सभी गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण गैस है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जीरो दशमलव जीरो तीन प्रतिशत होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पेड़ पौधे भोजन बनाने के लिए प्रयोग करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस पृथ्वी को गर्म रखने में मदद करती है कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से पृथ्वी का तापमान जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है जिसे हरित ग्रह ग्रह प्रभाव कहते हैं है ना अब आपसे पूछा जाएगा कि हरित ग्रह प्रभाव के लिए कौन सी गैस सबसे ज्यादा जो है प्रभावकारी मानी जाती है तो वो मानी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है और हरित ग्रह प्रभाव के बारे में देख लेते हैं जब पृथ्वी का तापमान जरूरत से ज्यादा अधिक हो जाता है तो उसे हरित ग्रह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं सबसे पहले इसको जीन वेस्टिस्टे फ्यूरियर ने पहचाना था अब ये चीज आपको याद रखनी है दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को ग्रीन हाउस प्रभाव को सबसे पहले किसने पहचाना तो जीन वेस्टिस्टे फ्यूरियर ने ठीक है कारण है हरित ग्रह प्रभाव वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड सी ओ टू मुख्य गैस मीथेन सी एच फोर और नाइट्रस ऑक्साइड एन टू ओ और की मात्रा बढ़ने से होता है प्रभाव देखो पहाड़ों पर से बर्फ पिघलने की संभावना बढ़ जाती है बर्फ पिघलने से समुद्र का जल स्तर बढ़ सकता है जिसके कारण समुद्र के आसपास के क्षेत्र जल में डूब सकते हैं इसके कारण पृथ्वी पर एंथ्रेडर रेडिएशन में जो है बढ़ोतरी हो जाती है तो ये चीज आपको याद रखनी है दोस्तों सबसे पहले तो ये चीज याद रखो हरित ग्रह प्रभाव है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य गैस ठीक है मीथेन सी एच फोर जिसे कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड इसका रासायनिक सूत्र एन टू ओ और जलवाष्प की मात्रा बढ़ने से होता है तो आपसे पूछा जाएगा निम्न में से बताइए कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है या ग्रीन हाउस गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प है ना ये प्रमुख है अब बात वायु के गुण वायु हर जगह पाई जाती है अर्थात सर्वव्यापी है वायु गंधहीन रंगहीन और पारदर्शी होती है वायु में भार होता है वह जगह गिरती है ठीक है वायुमंडल पृथ्वी के चारों तरफ पाई जाने वाली जो वायु की परत है वो वायुमंडल कहलाती है वायुमंडल कई परतों में विभाजित है वायुमंडल की परतें देख लेते हैं दोस्तों वायुमंडल की पांच परतें होती हैं याद रख लेना कितनी परतें होती हैं पांच परतें सबसे पहले जो निचली परत होती है वो क्षोभ मंडल जिसे ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है समताप मंडल जिसे स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है ठीक है और मध्यमंडल यानी कि जैसे मेजो स्पीयर कहा जाता है वाह मंडल या फिर आयन मंडल स्पीयर कहा जाता है और बहर मंडल जिसे एक्जो स्पीयर कहा जाता है तो ये सारी की सारी पूछी ही जाती है दोस्तों है ना क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है जैसे ट्रोपोस्पियर समताप मंडल स्ट्रेटोस्पियर ठीक है और इस समताप मंडल में जो है क्या होता है ओजोन हो परत पाई जाती है ओजोन परत ठीक है मध्यमंडल मेजो स्पीयर बाह मंडल या आयन मंडल तो आयनो और बहिर मंडल एगजो ठीक है इनको याद रख लेंगे यहां से क्वेश्चन आपका बन जाता है ठीक है अगला देख लेते हैं दोस्तों बहिर मंडल है ना 400 किलोमीटर 400 किलोमीटर ऊंचाई पर है बहर मंडल ठीक है और बाह आयन मंडल ए किलोमीटर मध्यमंडल 50 किलोमीटर ठीक है और यहाँ से हम देखेंगे कि जीरो से लगभग आठ किलोमीटर अठारह किलोमीटर यहाँ तक शोभ मंडल है और यहाँ से आठ किलोमीटर से लेकर के ऊपर जो है ये समताप मंडल है तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि ये शोभ मंडल सबसे निचली परत है फिर समताप मंडल मध्य मंडल, बाह मंडल और मंडल, जिसे आयन मंडल भी इसे कहा जाता है तो ये चीज़ आपको याद रख लेनी आपसे पूछा जाएगा ठीक है कि छोभ मंडल है कि जो ऊंचाई है वो कितने से कितने है तो जीरो से अठारह है ना ये चीज़ भी याद रखनी है और ये आठ से पचास और ये पचास से अस्सी जो हो जाएगी वो मध्यमंडल और अस्सी से जो चार सौ है वो हो जाएगी आयन मंडल इस प्रकार से ठीक है और चार सौ के ऊपर बहर मंडल ये चीज़ याद रखनी है इस प्रकार से इसका जो है ऊंचाई है बात कर लेते दोस्तों क्षोभ मंडल की ठीक है तो क्षोभ मंडल यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है ये चीज याद रखनी है आपसे एक क्वेश्चन बनता है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है तो वो क्षोभ मंडल है ठीक है यह ध्रुवों पर आठ किलोमीटर विश्वगत रेखा पर भूमध रेखा पर अठारह किलोमीटर तक की ऊंचाई पर पाई जाती है यहाँ पर हमने देखा कि ध्रुवों पर आठ किलोमीटर और विश्वगत रेखा पर अठारह किलोमीटर ठीक है ये चीज आपसे पूछी जाएगी कि शोभ मंडल ध्रुवों पर कितने किलोमीटर तक पाई जाती है तो आठ और विषुवत रेखा पर अठारह किलोमीटर इसकी औसत ऊंचाई तेरह किलोमीटर है सभी तरह के जलवायु परिवर्तन बादलों का बनना आंधियों का चलना बर्फ का गिरना इत्यादि इसी मंडल में होते हैं इस मंडल में 165 मीटर ऊपर जाने पर एक अंश सेल्सियस तापमान कम हो जाता है ठीक है ये यह यहाँ से कई क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं दोस्तों कि छोप मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है 13 किलोमीटर है ठीक है नेक्स्ट बनेगा कि बादलों का बनना किस परत में होता है तो छोभ मंडल में आंधियों चलना, में, का चलना छोभ मंडल में बर्फ का गिरना छोभ मंडल में ठीक है और जो है इस मंडल में एक मीटर ऊपर जाने पर तापमान कितना कम होता है तो एक अंश सेल्सियस होता है ठीक है नेक्स्ट देखें समताप मंडल स्ट्रेटोस्पियर इस मंडल का तापमान स्थिर रहता है इस मंडल में किसी तरह का जलवायु परिवर्तन नहीं होता इसलिए यह बा, मंडल वायुयान उड़ाने के लिए उपयुक्त है एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि वायुयान उड़ाने के लिए उपयुक्त जो मंडल है वो कौन सा है तो समताप मंडल है ठीक है इस मंडल में ओजोन गैस की परत पाई जाती है जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों को जो है पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती है अगर पराबैंगनी परावैग्निकरण पृथ्वी पर आ जाएंगी तो मनुष्य को त्वचा तो कैंसर हो जाएगा ठीक है प्रत्येक वर्ष सोलह सितंबर को विश्व ओजोन दिवस भी मनाया जाता है तो यहाँ से आपके तीन क्वेश्चन बनता है सबसे पहले तो समताप मंडल को क्या कहा जाता है स्टेटोस्फियर एक ठीक है दूसरा आपका बनेगा कि वायुयान किस मंडल में उड़ती हैं तो आपका उत्तर होगा समताप मंडल ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है तो समताप मंडल में ठीक है किरणों को कौन सी परत रोकती है तो ओजोन परत ठीक है और तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है तो 16 सितंबर को तो इतने चार पांच क्वेश्चन आपके लिए तैयार हो जाते हैं इनके लिए आप भी तैयार रहें ठीक है नेक्स्ट है मध्यमंडल जिसे मेजोस्पियर कहा जाता है इस मंडल का तापमान सबसे ज्यादा ठंडा तापमान 100 अंश सेल्सियस माइनस सौ अंश सेल्सियस होता है इस मंडल में उलका पिंड जलकर राख हो जाती है ठीक है तो ये चीज भी आपको याद रखनी है यहाँ से दो क्वेश्चन आपके बनेंगे कि सबसे ठंडा जो तापमान होता है वो किसका होता है तो मध्यमंडल का होता है सबसे ठंडी जो परत है वो मध्यमंडल है मध्यमंडल को क्या कहा जाता है मेजोस्पियर कहा जाता है ठीक है मध्यमंडल का तापमान कितना होता है तो माइनस सोन सेंटीग्रेड होता है ठीक है ये चीज याद रखनी है बाहा या आयन मंडल है ना यह मंडल रेडियो तरंगों को परावित कर देता है जिससे हम रेडियो टेलीविजन और का उपयोग कर पाते हैं इस मंडल में उल्का पिंड जलने शुरू हो जाते हैं तो ये चीज याद रखनी है बाहा या आयन मंडल रेडियो तरंगों को परिवर्त, परिवर्तित करता है तो कौन सा मंडल करता है आयन मंडल ठीक है या बाह मंडल ठीक है और बहर मंडल देखो जिसे कहा जाता है एग जे स्पेयर ठीक है यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है सबसे नीची है क्षोभ मंडल आपने पढ़ा है और सबसे ऊपरी है बहिर मंडल ठीक है इस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की अधिकता पाई जाती है इस मंडल के बाद अंतरिक्ष शुरू होता है अगर आपसे कभी पूछा जाए कि अंतरिक्ष किस मंडल के बाद शुरू होता है तो बहर मंडल के ठीक है वायु का उपयोग देख लेते हैं दोस्तों वायु में मौजूद नाइट्रोजन पौधों के लिए उपयोगी है वायु में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पौधों पौधे भोजन बनाने के लिए करते हैं वायु में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी को गर्म रखती है या फिर वायु में मौजूद ऑक्सीजन पेड़ पौधे जीव जंतु के लिए अत्यंत उपयोगी है समुद्री गोताखोर जो होते हैं और पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि उन्हें इन स्थानों पर जो है पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती वायु में ही पक्षी और वायुयान उड़ते हैं वायु की वजह से हमारे कपड़े सूखते हैं चलती हुई वायु पानी को भाप में बदल देती है है ना जिसकी वजह से हमारे कपड़े सूख जाते हैं वायु की वजह से एक दूसरे की आवाज़ सुन पाते हैं वायु से पवन चक्की चलती है जिससे बिजली का उत्पादन होता है वायु पौधों के बीजों को एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है जिससे पौधे दूर क्षेत्रों में उगे उग जाते हैं आजकल तो गाड़ियों और ट्रेनों के ब्रेकों में भी वायु का उपयोग होता है वायु का प्रयोग तकियों में गुब्बारों में टायरों में होता है जीव जंतु वायु और मौजूद ऑक्सीजन को लेते हैं जिससे वे जिंदा रहते हैं मनुष्य के नाक में जो मौजूद बाल सलेस चिकना पदार्थ धूल के कणों को अंदर जाने से रोक देते हैं है मछली घर में पंप लगाया जाता है ताकि वायु पानी में घुल जाए तो ये बहुत सारे जो है उपयोग हैं वायु के अब दोस्तों हम कुछ अभ्यास प्रश्न यहाँ पर कर लेते हैं यहाँ पर हमने बहुत महत्वपूर्ण चीजें पढ़ ली जो कि आपके लिए बहुत उपयोगी थी पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका हुआ है यहाँ पर हमें बताना है प्रश्न क्रमांक एक का उत्तर तो हमने पढ़ा है कि जो पृथ्वी का भाग है तीन चौथाई भाग जो है वो कैसे ढका है जल से ढका है है ना तो सी नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन देख लेते आद्रता को मापा जाता है तो हमने पढ़ा था कैसे मापा जाता है यहाँ पर देखो हाइड्रोमीटर भी दिया है और हाइग्रोमीटर भी दिया है तो आर्द्रता या फिर नमी नमी को मापा जाता है किससे हाइग्रोमीटर यानी कि जो डी नंबर है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा पृथ्वी पर मौजूद जल का कितना प्रतिशत जल महासागरों समुद्रों में पाया जाता है तो हमने पढ़ा था दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न क्रमांक तीन का तीन का हो जाएगा नाइन्टी सेवन परसेंट है ना डी नंबर आपका सही होगा पृथ्वी पर मौजूद जल का कितना प्रतिशत जल हमारे लिए उपयोगी है तो कितने प्रतिशत जल है हमारे लिए उपयोगी जल्दी से बताओ चार विकल्प हैं आपके सामने तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा एक प्रतिशत यानी कि जो एक नंबर है वो सही हो जाएगा है ना अगला है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रदूषित जल से होती है तो कौन कौन सी होती है हैजा चेचक पेचेस, पीलिया या फिर टाइफाइड तो पांच का उत्तर हमें यहां पर बताना है तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा जल्दी से कमेंट में आपको लिखना है और आपका बिल्कुल सही होगा हैजा पीलिया ठीक है और पेचेस और टाइफाइड ये जो है जल के प्रदूषित प्रदूषण के कारण होता है है ना मीन माता रोग किस धातु के पानी में घुलने से होता है मैंने आपको बताया था स्पेशली तो मीन माता जो रोग होता है वो किस धातु के पानी में घुलने से होता है दोस्तों उत्तर आपका हो जाएगा मरकरी यानी जो बी नंबर है वो यहाँ पर राइट होगा ठीक है दूषित जल में फिटकरी डालने से क्या होता है जल साफ हो जाता है बीमारियां दूर हो जाती है अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं प्रश्न क्रमांक सात का आंसर हमें यहाँ पर बताना है और राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अशुद्धियां नीचे बैठ जाती नंबर ठीक है वी जल का मुख्य स्रोत कौन सा है दोस्तों प्रश्न क्रमांक आठ का, का उत्तर हमें बताना है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा जल का जो मुख्य स्रोत माना माना जाता जाता है है वो क्या महासागर नदियां समुद्र या फिर वर्षा तो मुख्य स्रोत माना जाता है डी यानी कि वर्षा ठीक है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है बाईस मार्च तेरह जनवरी इक्कीस सितंबर या फिर पांच जून को तो बिल्कुल सही आंसर आपका जो हो जाएगा विश्व तो जल दिवस मनाया जाता है मार्च नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गन के अलावा धूल के कण और जलवास भी होते हैं इस मिश्रण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है तो आपको बताना है कितनी होती है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तो प्रश्न क्रमांक दस का आंसर हमें बताना है और सभी लोगों ने बताया है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जीरो पॉइंट होती है है ना? तो डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। में से कौन सी गैस पृथ्वी को गर्म रखने में मदद करती है तो कौन सी गैस रखती है नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन या फिर आर्गन प्रश्न क्रमांक ग्यारह का आंसर और ग्यारह का बिल्कुल राइट आंसर होगा कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड सी नंबर का ठीक है वायुमंडल में जब कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे क्या कहते हैं ग्रह, हरित ग्रह लाल ग्रह या नीला ग्रह क्या कहते हैं बारह का उत्तर तो इसे कहा जाता है हरित ग्रह प्रभाव या फिर ग्रीन हाउस प्रभाव है ना तो आपका सी नंबर इसमें सही हो जाएगा नेक्स्ट बात कर लेते दोस्तों वायुमंडल कितनी परतों में विभाजित है तो कितनी परतों में विभाजित है दो पांच दस या फिर छे? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा बी है ना बी नंबर आपका सही हो जाएगा क्षोभ मंडल समताप मंडल मध्य मंडल आयन मंडल और बहिर्मंडल मंडल इस प्रकार से पांच परतों में विभाजित है वायुमंडल तेरह का उत्तर वी वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है दोस्तों तो हमने अभी पढ़ा है कि जो वायुमंडल की सबसे निचली परत है वो क्षोभ मंडल है और सबसे ऊपर की परत है बहिर मंडल ठीक है किस मंडल का तापमान सबसे ज्यादा होता है समताप मंडल का आयन मंडल का मध्यमंडल या फिर बहर मंडल का प्रश्न क्रमांक पंद्रह का आंसर बताना है तो उत्तर क्या हो जाएगा तब आपका जो बिल्कुल सही आंसर होगा किस मंडल का तापमान सबसे अधिक होता है तो वो होता है आयन मंडल इसे भी कहा जाता है दोस्तों ठीक है तो सबसे ज्यादा होता है आयन मंडल का सबसे कम होता है मध्यमंडल का ठीक है अगला देखो निम्न में से कौन सा कथन असत्य है असत्य बताना प्रश्न क्रमांक सोलह का उत्तर क्या हो जाएगा जल वायु ऊष्मा प्रकाश मृदा पर्यावरण के अजैविक घटक है बिल्कुल सही हमारे लिए सिर्फ एक प्रति जल उपयोगी बिल्कुल सही दूसरे जल पीने से शारीरिक विकलांगता आ जाती है बिल्कुल सही गर्म जल से जल प्रदूषण नहीं होता तो ये जो विकल्प नंबर डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है यहाँ पर कथन असत्य है तो डी सोलह का अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है नाइट्रोजन गैस जलने में सहायता करती है नहीं करती नाइट्रोजन गैस पौधों के लिए आवश्यक है बिल्कुल सही है है ना तो प्रश्न क्रमांक सत्रह का जो उत्तर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बी यानी कि नाइट्रोजन गैस पौधों के लिए आवश्यक है वी नंबर ठीक है किस मंडल में ओजोन गैस की परत पाई जाती है तो वो पाई जाती है दोस्तों किस में जल्दी से कमेंट में बताएं तो आपका राइट आंसर होगा बी समताप मंडल में पाई जाती है बी नंबर आपका सही है तो यहाँ पर दोस्तों हमने जो है जल के बारे में पढ़ा और वायु वायु के के बारे में के बारे में में पढ़ा पढ़ा की विभिन्न परतों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं और इसके पहले के बहुत सारे ऐसे वीडियो जो मैंने विस्तृत से पढ़ाए हैं और अभ्यास भी करवाए हैं वो जरूर देखें वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे ठीक है सभी को शेयर भी करना है प्ले में जाकर के आपको सारे के सारे वीडियो देखना है ठीक है और वीडियो को लाइक करके शेयर करना है बेल आइकन को दबाना है ताकि जो वीडियो की इन्फॉर्मेशन वो आप तक पहुंच सके ठीक है आज के वीडियो के लिए बस इतना ही जय हिंद